बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न पराठा, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सहरी में उठा नहीं जाता और कई मरतबा तो किसी से भी नहीं उठा जाता, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ़ौरन से उठें और आपको फ्रीज़र से निकाला तैयार पराठा, और आपने हर जस्ट फ्राई किया तो फिर आपका तैयार हो गया पराठा। तो ये कि आटा गूंदना आपको बता रहे हैं, पराठा बनाना बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी, जिसके लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है। तो आप चाहे तो जो है सफ़ेद आटा ले लें, या मैंने तो मैदा लिया है, सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं और लाल आटा जो गंदम का आटा होता है तो वो ले सकते हैं। और आधा किलो मैंने आटा लिया है, और बाकी पानी के साथ इसको गूंदेंगे। तो ज़्यादा सख्त जो है इसका डो तैयार नहीं करेंगे, इसका डो तैयार करेंगे हमें सॉफ्ट से थोड़ा सा सख्त, यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। और 1 टीस्पून हमने चीनी ली है, और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, और 1.5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी ले सकते हैं। ऑयल मैं इसलिए ले रही हूँ कि घी से पराठा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो हमें हार्ड पराठा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सॉफ्ट पराठा चाहिए। तो जिसकी वजह से हमने 1 चुटकी हमने बेकिंग पाउडर लिया है, या आप मीठा सोडा और बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। इसमें आप आगे आ जाओ। तमाम चीजें शामिल करके इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी पाके पानी शामिल करके पानी पाके थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसका आटा तैयार करना है, और डो तैयार करके अभी से गूंद के रख लीजिएगा, और रमजान बस आने ही वाले हैं, तैयार करके पराठे रख लीजिएगा। एकदम से पानी भी उंडेलने से आपका जो है, और मैदा या आटे में, ये भी एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी आप कभी आटा लेते होंगे, कभी पानी ज़्यादा लेता होगा आटा आपका, तो कभी पानी कम लेता होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने पानी जो है ना उस हिसाब से फिर डालिएगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करना है आपने। सही है, मैंने ना माशाल्लाह से जबरदस्त गूंद लिया। तो इसको अब हमने सेट करने के लिए थोड़ी देर रख के सेट करना है। एक मिनट सुनो, ये देखिए फटाफटा सा अभी मलाई हो जाएगा, इसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आटा खुलेगा वो वाली थाली मेरी खाली। 15 मिनट हमने इसको रखा आटे को, और इसको दोबारा हमने अच्छी तरह इसको घूम के ना इसको सेट कर लेना है। ये देखिए सेट हो गया ना। अब इसको सेट हुए को हमने छोड़ देना फिर 10 मिनट के लिए, क्योंकि अब इसके एकदम से पेड़े करेंगे तो वो लचक नहीं आएगी, तो इसको छोड़ दे 10 मिनट के लिए, फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताते हैं। अच्छा, अब हम पेड़े करेंगे। इसको पहले ऑन कर लेते हैं, 100 ग्राम्स तक हमने रखना है पेड़े का, ताकि इक्वल से रोटी जो है ना वो बन जाए। इसी तरह हमने करना है, अच्छा इसी तरह करना है। और ये मैं आपको बता दूं, पेड़े करके तो मैं आपको बता दूंगी, एक और चीज आपको बता दूं कि इस तरह की आपने बाजार में आसानी से मिल जाती है इस तरह की
जो थैलियाँ हैं जिसमें दूध वाला दूध देने के लिए आता है, या आप दूध दही लेते हैं तो ये इजी से मिल जाते हैं। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से दरमियान आखिर से काटना है। और फिर ऐसे काटना है। ये खुल गई ना थैली, तो इसका मतलब है कि अब हमें हमें जो है ना थैलियाँ भी तैयार करके रखनी है, पेड़ भी तैयार करके रखने हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको, जब पेड़ तमाम कंप्लीट हो जाएगा ना इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये तमाम पेड़ हमने कर लिए, कितने बने हुए किलो ज़रा? आठ आठ बने, चलिए पास हो गई, आठ पेड़े बन गए। क्या करना है, इसमें हमने घी लगाना है। अच्छा, घी लगाना है। फिर इस पर खुश्का, इस तरह करके आपने पेड़ तैयार करके रख लेने एक साइड पे। तो तमाम को हम करके फिर इसी तरह बताते हैं आपको। ये देखिए मैंने तमाम पेड़ करके रख लिए, अब हम रोटी बेलने का बताएंगे आपको। आपने इस पर आपने आटे को फैला लिया, मैदा लिया कि नहीं, पेड़े को, रोटी को, और ये इस तरह आपने लपेट दिया। ठीक है, अब ये इस ट्रे पर मैं रखती जा रही हूँ। इसके ऊपर फिर हम इसी तरह तमाम को हम कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको लपेट के रख लिया था ना, इसको इस तरह, अब इसके ऊपर एक और थैली रखेंगे। ये देखिए इसी तरह हम करके तमाम को इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताते हैं फिर। अच्छा, ये कंप्लीट हमने जो है रोटियां बना ली हैं, पराठे बना लिए हैं, तो इसको हम अब रख देंगे फ्रीज़र में। जब हमने उठेंगे ना तकरीबन अजान होने से 15 मिनट पहले, तो उसमें ये बनाएंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए और हमारी नींद भी पूरी हो जाए। तो ये तो खैर मतलब मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत ये है कि आँख वाकई नहीं खुलती।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो खुल जाती है, लेकिन ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को इतनी थकावट हो चुकी होती है कि वो उस वक्त आँख खुलती है जब अजाने होने में थोड़ी देर रह जाए। अक्सर लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो इतने थके हारे आते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं। बहुत से मसले मसाइल सबके साथ ही होते हैं, हम अकेले इंसान नहीं है, सभी हमारी तरह ही है। हम भी थके हुए होते हैं, आप लोग भी थके होते हैं, इसलिए ये इजी काम कर लें, आप बना के रख लें तो आपको बहुत काम आएंगे। आपने क्या करना है, इसको बनाना है तकरीबन अफ्तारी के बाद, जैसे अफ्तारी के बाद बनाना है आपने, 2-3 दिन चला लेना, फिर जब ख़त्म होने वाले हों तो फिर अफ्तारी के बाद आपने बनाना, क्योंकि उस वक्त तो ताकत होती है, हिम्मत होती है, खाया हुआ होता है और जागे हुए होते हैं, तो उस वक्त बना के आप फ्रीजर में रखते हैं। तो ये नहीं कि पूरे महीने के लिए रखते हैं, तो अपने आप को इतना बोझ ना डालें कि आप 35-40 रोटियां जो है ना वो फ्रीज़र में रखते हैं। आप 8-8, 10-10 करके 2-2, 3-3 दिन के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई थी आपकी सहूलत के लिए बात कि आप अफ्तारी के बाद बना सकते हैं, ठीक है। मैं अनु अब ये कंप्लीट तैयार हो गया, मैं पंजाबी दस हाँ। मैं ना मैदा लिया सी 1/2 किलो, तुसी चाहो तो लाल आटा भी लै सकते हो, जरा गंदम का आटा तो भी लै सकते हो। तो एवं कि मैं 1/2 किलो आटा लिया से, नमक चीनी तो मिठा सोडा तो तेल पा के मैं गुन लिया पानी ना, तो नॉर्मल आटा गुनिया। उस तो बाद उसे पेड़े किए ने, उन्होंने समिजन वास्ते रख दिता, फिर उसके बाद पेड़े किए ने, तो पेड़े करने के बाद ना फिर मैं बेलिया भी तो घ्यो पा के ना खुशका पा के तो उन्होंने मैं जरा ना रोल करके ना उन्होंने मैं फिर पेड़ा किया दोबारा, फिर उन्होंने पेड़े में मैं रखे 10 मिनट, फिर उन्होंने मैं दोबारा बेलिया, तो इको साइज रोटियां बना के ना इस तरह थैली मैं इसलिए एक दो थैली नहीं चढ़ाई पूरी कंप्लीट, देखो ना पूरी कंप्लीट रखी कि इस तरह तुम्हें कढ़नी है आराम ना लेंथ कढ़ीए एंज कढ़ी तली रोटी, तो उस तो बाद दूसरी भी ऐसे चुकी है इस तरह, ठीक है। सारिया इंज रख देना आराम से इको साइज का बना के तुम रख दो फ्रीजर च, सीधी सीधी रखनी है। हाँ सीधी सीधी रखनी है, टेढ़ी मेढ़ी ना रखना, अच्छा इंज ही रखना। तो कोशिश करना तुम्हें जरा ना वो जाली नहीं होंगी फ्रीजर के उत्ते रख के ना ट्रे रख के आराम से रख दो, जो जम जाए तो फिर आराम से एडजस्ट करके कितने सैट कर लो, ठीक है। तो जरूर मैं दुआ याद रखना, तो इंजॉय करो रमज़ान में तुम्हें मेरी तरफों एडवांस तुम्हें रोज़े मुबारक हो, रमज़ान का महीना आने वाला है इंशाल्लाह, सब इबादत करेंगे इंशाल्लाह, तो इन्होंने चीज़ों अं इस्तेमाल करेंगे, तो मैं दुआ जरूर याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।